अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में साल 2023 के हर टेस्ट के लिए इंतहाई अहम स्पोर्ट्स रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु हैज़ बिकम फर्स्ट क्रिकेटर टू टेक 4 विकेट्स इन फर्स्ट ओवर ऑफ इनिंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी फर्स्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने फर्स्ट ओवर की इनिंग में 4 विकेट्स हासिल किए हैं 30 जून 2023 को 23 बरस के एज में। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स फास्टेस्ट क्रिकेटर टू स्कोर 5000 ओडीआई रन। इसका करेक्ट आंसर बाबर आजम है। बाबर आजम फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने ओडीआई रन्स में 5000 रन हासिल किए हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु बिकम्स यंगेस्ट एंड क्विकेस्ट फास्ट बॉलर टू गेट 200 T20 विकेट्स। तो इसका भी करेक्ट आंसर शाहीन शाह अफरीदी है। शाहीन शाह अफरीदी यंगेस्ट यानी कि कम उम्र और क्विकेस्ट यानी कि फास्टेस्ट फास्ट बॉलर बन गए हैं जिन्होंने 200 T20 विकेट्स हासिल किए हैं अप्रैल 2023 में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। PSL 2023 का जो 8वां सेशन हुआ था ये बहुत ही अहम है, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगर हम PSL 2008 की बात करें, 2023 की बात करें जो कि 8वां एडिशन था, इसमें जो विनर था वो लाहौर कलंदर था और लाहौर कलंदर ये दूसरी मर्तबा जीता है और मुल्तान सुल्तान को वन रन से शिकस्त देकर लाहौर कलंदर ने ये टाइटल जीता था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज इसमें एहसानुल्लाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने और सबसे ज़्यादा विकेट्स जो हैं अब्बास आफरीदी ने हासिल किए हैं। सो यही इसका अब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको आप ज़रूर याद करते जाएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस तरह की वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट है, विच क्रिकेटर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट पाकिस्तानी विद 100 T20 इंटरनेशनल विकेट्स। सो इसका करेक्ट आंसर शादाब खान है। शादाब खान फर्स्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट्स हासिल किए हैं मार्च 2023 में। सो शादाब खान इसका करेक्ट आंसर है। हु बिकम्स यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिसीव सितारा इम्तियाज। सितारा इम्तियाज हासिल करने वाले यंगेस्ट क्रिकेटर यानी कि सबसे कम उम्र क्रिकेटर बन गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम इसका करेक्ट आंसर है। अगर हम सितारा इम्तियाज की बात करें तो ये पाकिस्तान का 3rd हाईएस्ट सिविल अवार्ड है और इनको गवर्नर पंजाब ने ये अवार्ड दिया था 28 बरस की एज में। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री वन मैंस आई हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। सो इसका करेक्ट आंसर इंडिया है। इंडिया ने ये जीता था जूनियर एशिया कप मैंस की कैटेगरी में जो हॉकी का हुआ है 2023 का, ये 10वां एडिशन था। रनर अप इसमें पाकिस्तान रहा है और ये सलाला यानी कि ओमान में इसको होस्ट किया गया था। सो इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। विच कंट्री हैज़ वन वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप 2023। तो इसका करेक्ट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है क्रिकेट चैंपियनशिप 2023 का ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इसका फाइनल 11 जून 2023 को हुआ है, ओवल ये लंदन में खेला गया है और इसमें जो विनर रहे हैं विनर जो है वो ऑस्ट्रेलिया है और ऑस्ट्रेलिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम ये टाइटल जीता है। रनर अप इसमें इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 209 रन से शिकस्त देकर ये फाइनल जीता था। मैन ऑफ द मैच इसमें करार पाए थे ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। विच पाकिस्तानी वन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप इन जून 2023। सो इसका करेक्ट आंसर सादी अब्बास है। सादी अब्बास ये पाकिस्तानी जो है वो इन्होंने जून 2023 में इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप जीत लिया है और ये मॉन्ट्रियल कनाडा में ये जो है चैंपियनशिप खेला गया था। हु वन द फ्रेंच ओपन टेनिस वेमेन सिंगल्स टाइटल 2023। सो इसका करेक्ट आंसर एगा स्वीटेक है। एगा स्वीटेक की अगर हम बात करें तो इन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस वेमेन सिंगल्स टाइटल 2023 जीत लिया है और ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं और रनर अप इसमें केरालोना मचोवा रही हैं जो कि चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं। विच कंट्री वन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 1994 में विन किया था,
इस मरतबा 2023 में ये जर्मनी ने विन किया है और ये 15वां एडिशन था। इसका फाइनल 29 जनवरी को हुआ, इसको होस्ट इंडिया ने किया और जर्मनी ने थर्ड टाइम तीसरी मरतबा ये जीता है। रनर अप इसमें बेल्जियम रहा है, 16 टीमों ने शिरकत किया, टोटल इसमें 44 मैचेस खेले गए। सो ये जर्मनी इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट अरब विमेन टू विन इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इन 2023? सो इसका करेक्ट आंसर खदीजा मर्दी है। खदीजा मर्दी ये मराको से बिलोंग करती हैं और ये फर्स्ट मराकन, फर्स्ट अफ्रीकन, फर्स्ट अरब वुमेन हैं जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है बॉक्सिंग में 2023 में। सो खदीजा मर्दी इसका करेक्ट आंसर है। ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 किस ने मुल्क ने जीता है? सो ICC अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो कि खवातीन के कैटेगरी में, वुमेन के कैटेगरी में अंडर 19 का हुआ है, ये फर्स्ट एडिशन हुआ है 2023 में और ये साउथ अफ्रीका में खेला गया है। इंडिया इसमें विनर है और रनर अप इसमें इंग्लैंड है। इसका भी फाइनल 29 जनवरी 2023 को हुआ है। इसमें टोटल 16 टीमों ने शिरकत किया और इसमें जो है 41 मैचेस खेले गए। प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस इस्करवीज रही है जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती है। सो यही इसका जो है, इंडिया जो है इसका विनर है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स इन स्पेशल ओलंपिक्स इन June 2023? सो इसका करेक्ट आंसर 80 है। 80 गोल्ड मेडल्स पाकिस्तान ने जीते हैं स्पेशल ओलंपिक्स में जो कि जून 2023 में हुआ है। ये 16वां एडिशन था और ये बर्लिन जर्मनी में हुआ है और जर्मनी ने इसको फर्स्ट टाइम होस्ट किया है। इसका फाइनल 25 जून 2023 को हुआ है। पाकिस्तान ने टोटल 80 मेडल्स जीते जिसमें 11 गोल्ड मेडल्स, 29 सिल्वर मेडल्स और 40 जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद testpoint.pk विजिट करके अपना टेस्ट ज़रूर लें ताकि आपको मालूम हो जाए कि कितने सवालात आपको याद हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द रनर अप ऑफ मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2023। सो इसमें जो विनर है वो इंडिया है, जो रनर अप है वो पाकिस्तान है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु हैज बिकम द फर्स्ट एवर एंड ओनली पाकिस्तानी टू बी अ वर्ल्ड चैंपियन इन कार्टिंग रेसिंग? कार्टिंग रेसिंग में पाकिस्तान के पहले जो है वो चैंपियन है इनाम अहमद। इनाम अहमद इसका करेक्ट आंसर है। ये 2 अप्रैल 2023 को इनाम अहमद ने ये जीता है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु इज़ द फर्स्ट एवर पाकिस्तानी टू विन कराटे कॉम्बेट फाइट? सो इसका करेक्ट आंसर शाहजेब रिंद है। शाहजेब रिंद जो कि बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, ये फर्स्ट एवर पाकिस्तानी हैं जिन्होंने कराटे कॉम्बेट फाइट अमेरिका में जीत लिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है और इसका फाइनल जो है वो 2 अप्रैल 2023 को हुआ था। नेम द पाकिस्तानी किड्स हु ब्रोक 12-year-old रिकॉर्ड ऑफ अमेरिका ऑफ लीप फ्रॉग जंप्स? लीप फ्रॉग जंप्स में अमेरिका का 12 साल रिकॉर्ड तोड़ने वाले दो बच्चों का नाम बताएं। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो नोमान एंड अबू बकर है। नोमान और अबू बकर दो ऐसे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने लीप फ्रॉग जंप्स में अमेरिका का 12 साल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, नोमान एंड अबू बकर। यह क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। हु इज़ द करंट चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम? पाकिस्तान क्रिकेट टीम के करंट जो हैं वो चीफ सेलेक्टर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। testpoint.pk बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ से आप अपना टेस्ट भी ले सकते हैं, PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारा जो मटेरियल है इसी वेबसाइट से उठाया गया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करते रहा करें। मोस्टली क्वेश्चंस टेस्टों में इसी वेबसाइट से आते हैं। अगर आप हमें व्हाट्सअप के स्टेटस में फॉलो करना चाहते हैं तो 03082533000 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।